हेलो एवरीवन, मैं हूँ तृप्ति। कुक विद तृप्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ व्रत वाली नमकीन। जी हाँ दोस्तों, ये साबूदाना की नमकीन है और इसे आप व्रत में कभी भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना, चलते हैं अपने किचन की ओर और बनाते हैं इस नमकीन को। व्रत की नमकीन बनाने के लिए हमने इस तरीके से ले लिया है वनस्पति घी और इसमें अब हम डाल रहे हैं ये मूंगफली के दाने। तो ये रहे मूंगफली के दाने और इन्हें अब मैं इन्हें अच्छे से भून लेती हूँ, कुछ इस तरीके से। अब भूनने के बाद इन्हें हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये मैंने मध्यम आंच में ही इन्हें भूना है, तेज आंच करके मत भूनिएगा वरना आपके मूंगफली के दाने जल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे ये मैंने डाला है बादाम। तो ये बादाम भी 1 से 2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे और उसके बाद इन्हें निकाल लेंगे। तो चलिए इन्हें भी अब हम निकाल लेते हैं और एक ही प्लेट में मैं निकालती जा रही हूँ बाउल में, ताकि मिक्स करने में आसानी हो जाए, 10 बर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने अच्छे से निकाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे काजू। तो काजू भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे और उसके बाद उसे भी निकाल देंगे। इसको आप है ना अपने घर में, जैसे आपने लड्डू गोपाल रख रखे हैं तो आप उनको भी खिला सकते हैं। अब मैं अपने कृषु के लिए फ़िलहाल बना रही हूँ, और क्योंकि आज मेरा मन हुआ कि मैं अपने कृषु को ये खिलाऊं, तो मैं उनके लिए ये बना रही हूँ स्पेशल डिश। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया किशमिश और इन्हें भी 1 से 2 मिनट तक भून लिया है और अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। कृषु जो हमारे घर के लड्डू गोपाल हैं, तो मैंने सोचा आज उन्हें कुछ नया खिलाते हैं। रोज इलायची दाना और मठरी खा खा के बच्चे बोर हो जाते हैं, तो मैंने आज अपने बच्चे के लिए बनाई है नमकीन। और अब मैंने इसमें डाल दिया है साबूदाना। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसे व्रत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने बच्चे को डेली खिला भी सकते हैं। और ये देखिए साबूदाना, ये बड़े वाले हैं जो कि डलते ही ये और दुगने हो जाते हैं। तो इन्हें हम अच्छे से भूनेंगे और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट आपके ले लेते हैं भूनने में। तो इन्हें कंटिन्यूसली इसी तरीके से चला करके बड़े बड़े कर लेने। तो ये देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं साबूदाना, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इन्हें हम एक प्लेट में वापस से निकाल लेंगे, और क्योंकि इन सबको एक ही साथ मिक्स करना है तो इसलिए आप इन्हें एक ही प्लेट में या बाउल में निकाल लीजिए। तो ये देखिए मैं एक बड़े से बाउल में से निकाल लेती हूँ ताकि मुझे मिक्स करने में आसानी हो। आप इसमें मखाने भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं मखाने नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। तो ये देखिए ये अच्छे से भुन गए हैं। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और डालते हैं इसमें करी। तो ये करी पत्ते हैं, यानी कि नीम के सूखे पत्ते जो आते हैं, मीठी नीम के पत्ते वो हैं। तो इनको भी मैंने डाल दिया इस तरीके से और निकाल लिया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेंगे सेंधा नमक इस तरीके से और इसमें डाल देंगे। अब सेंधा नमक डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं अपने बच्चे को है ना खिलाऊंगी तो इसलिए मैं काली मिर्च नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे कृषु को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने मिक्स कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपकी ये नमकीन बन करके रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी बनाई हुई ये साबूदाना की नमकीन पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को कर लीजिएगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट और शेयर, और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।